आई मीन मेरा मेरा बस चले तो मैं पूरी जिंदगी के लिए अपनी ये बॉटल प्री ऑर्डर करके रख लूँ अगर वो एक्सपायर ना होती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कभी ऐसा ये टाइम आए कि ये लोग बनाना इसे बंद कर दें। और जनरली ऐसा होता है, जो मुझे सूट करता है ना और जो मैं शुरू करती हूँ, मैं सोचती हूँ हाँ हाँ ये प्रोडक्ट तो मुझे सूट करना शुरू हुआ है, वो बनना ही बंद हो जाता है। तो आई एम रियली स्कैर्ड कि ऐसा ना हो कि ये भी बंद हो जाए, बट इट्स अ सेवियर गाइस। किसी को भी अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, स्वेटिंग ज़्यादा आती है, ओपन पोर्स हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, एजिंग हो रही है, रिंकल्स हैं, ब्राउन स्पॉट्स हैं, फ्रैकल्स हैं, आँख बंद करके आप इसे यूज़ करना शुरू करो। नमस्ते एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ एक इन डेप्थ रिव्यू ऑफ मिनिमलिस्टिक ब्रांड का सैलिसिलिक एसिड 2%। 4 महीने मैंने इसको यूज़ किया है। अगर आप बॉटल देखो तो ये 50% से भी ज़्यादा, 65% ये बॉटल की क्वांटिटी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। आई ऑर्डर्ड दिस इन फेब्रुअरी और अब हो गया है एंड ऑफ मई। तो 4 महीने का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितना मुझे फ़र्क लगा, ये सारा मैं आपसे विद पिक्चर्स यू नो प्रूफ के साथ शेयर करूँगी। और ये कोई स्पॉन्सर्ड या पेड वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद ख़रीदा था क्योंकि मुझे खुद ही पता था कि सैलिसिलिक एसिड मेरे लिए अच्छा है। नाउ अगर आप मेरा चैनल पहले से फॉलो करते हो तो मेरे चैनल पे मेरी एक वीडियो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले डाली थी, जिसमें मैंने अपनी 8 से 10 साल चली जो मेरी यू नो एडल्ट एक्ने की जर्नी रही है वो मैंने शेयर की थी इन डेप्थ। मैं वो सारी दोबारा रिपीट करके यहाँ आपको बोर नहीं करना चाहूँगी, बट यहाँ ज़रूर इतना मेंशन करूँगी कि मुझे एक्ने आने शुरू हुए थे व्हेन आई वाज 21 और अभी लास्ट 2015 तक 16 तक, इनफैक्ट उसके बाद भी मुझे पिंपल्स रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि सिर्फ यू नो नोज़ का पार्ट बचा था जहाँ पिंपल्स नहीं है, यहाँ पूरा फेस डेली जब भी उठो 8-10 पूरे फेस पे ऐसे भरे होते थे। और वो फेस मैंने कैसे ठीक किया, क्या चीज़ें की, क्या लाइफ चेंजेस किए जिसकी वजह से मुझे मेरे एक्ने से छुटकारा मिल गया एंड फाइनली आई हैव बाय द ग्रेस ऑफ गॉड डिसेंट स्किन मैं कहूँगी। जैसे जैसे गर्मियाँ आती हैं मेरी स्किन ऑयली और हो जाती है, पिंपल्स आने अभी भी हो जाते हैं, जून जुलाई के वेदर में मुझे अभी भी पिंपल्स आते हैं, बट उतने सिवेयर या ख़राब नहीं होते हैं। उस जर्नी में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैं डेली यू नो जब मुझे वो पिंपल्स वाला फेस था मेरा, तो मैं सैलिसिलिक एसिड डिस्प्रिन में होता है और डिस्प्रिन फेस मास्क में लगाती थी। मेरे चैनल पर इसकी रेमेडी भी है। डिस्प्रिन में सैलिसिलिक एसिड है और सैलिसिलिक एसिड आपकी ऑयली एक्सट्रीमली यू नो एक्नेपोन सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। मैं कहूँगी इट्स लाइक गॉड, इट्स लाइक राम बाण जिसे कहते हैं ना। तो मैं उस टाइम पे डेली वो फेस पैक लगाया करती थी और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते थे, बट उस टाइम पर यू नो सैलिसिलिक एसिड ऐसे बॉटल्स पे नहीं आता था। 2% इसकी क्वांटिटी है विच कैन बी अप्लाइड डेली। आई मीन ये इतना माइनर है, इतना लाइट है कि आपकी स्किन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं देगा। अब सैलिसिलिक आटा है क्या, क्यों हम इसे यूज़ करें, आटा है, पता नहीं क्या बोलती रहती हूँ मैं। नाउ सैलिसिलिक एसिड है क्या, कौन सी कैटेगरी में आता है, आपने आजकल इंटरनेट पे पढ़ा होगा AHAs, BHAs एंड PHAs। सो AHA ड्राई स्किन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है और BHA होता है अच्छा जिनकी ऑयली सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन है, यानी कि मेरी। तो उसमें जो कई सारे कैटेगरीज आगे डिवाइड हो जाती हैं एसिड्स की, सीरम्स की और उस तरीके से, तो ये जो है सैलिसिलिक एसिड ये BHA कैटेगरी में आता है। ये आपके पोर्स को टाइट करता है क्योंकि पिंपल्स के बाद जनरली हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन रह जाते हैं। और विद एज आई एम 37 एट द मोमेंट, तो मुझे पता है मेरी स्किन अब यू नो थोड़ी थोड़ी एज हो रही है तो पोर्स और बड़े दिखने लगते हैं। तो ये आपके पोर्स के साइज को मिनिमाइज भी करता है, डीपली क्लीन करता है आपकी स्किन को। देन मेजर जो ये आपके स्किन पे इफेक्ट लाता है वो है कि ऑयल कंट्रोल करता है, आपकी स्किन डेली बेसिस पे ऑयल सिक्रीट करती है, राइट। तो एक सही अमाउंट में अगर ऑयल सिक्रीट होता है आपकी स्किन में तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी है। बट जनरली जो ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं उनकी एक्सेसिव स्वेटिंग होती है या ग्रीजीनेस आती है स्किन पे, जिसकी वजह से फर्दर पिंपल्स बनते हैं, ब्लैक हेड्स बनते हैं, यू नो वाइट हेड्स बनते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, ऑयल की फॉर्मेशन को एक यू नो यूनिफॉर्म वे में बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सो आप
इस पे रेकमेंडेड है कि आप इसे शाम को या फिर रात को सोने से पहले लगाएं। तो मैं जनरली लॉकडाउन है तो मैं घर पे ही थी, और वो होता है ना कि मुझे जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, जल्दी रिजल्ट्स चाहिए। सो फेब्रुअरी में जब मैंने इसे ऑर्डर किया तो मैंने इसे सुबह और शाम दोनों टाइम लगाना शुरू किया। नाउ जब इसको लगाते हैं तो पर्जिंग एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, इनके वेबसाइट पे भी लिखा है कि अगर आप इसको यूज़ करना शुरू करोगे तो हो सकता है आपको पर्जिंग की प्रॉब्लम आए। अब पर्जिंग क्या होता है कि कुछ भी नया इंग्रेडिएंट जब आप अपनी स्किन पे लगाते हो तो उसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी स्किन को यूज़ टू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पर्जिंग क्या होती थी कि जब मैं इसको इनिशियली लगाती थी, 1 month, 1 से 1.5 महीने में बोलूँगी, तो जहाँ आपकी स्किन थोड़ा सा रिएक्ट कर देती है कभी कभी, क्योंकि उसको टाइम लग रहा है उसको एडजस्ट करने में, तो ऐसे लगता था कि रैश पड़ गया, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, मतलब ऐसे लगता था कि हल्का सा कुछ मच्छर जैसा किसी ने काटा है, और ना वो पिंपल बनता था ना उसमें पस आती थी। बट वो फर्स्ट डे तो उसमें खुजली भी होती थी जैसे मच्छर ने काटा, एग्जैक्टली वैसा ही थोड़ा सा पिंकी पिंकी सा हो जाता था वो, और उसके बाद अगले दिन दूसरे दिन वो ड्राई होके ब्राउन हो जाता था, और वो स्किन बिल्कुल ड्राई होके सूख के अपने आप नॉर्मल हो जाती थी, बट उसके दाग नहीं रहते थे। ऐसा नहीं था कि अगर आपको यहाँ यहाँ वो प्रॉब्लम है तो उसका लॉन्ग टर्म तक निशान रहेगा, थोड़े दिन के लिए वो निशान रहता था, अपने आप ठीक हो जाता था। तो मेरी स्किन ने ऑलमोस्ट 1.5 महीना लिया, पर्जिंग होती थी मुझे ऑन, हफ्ते में 1-2 बार मैं कहूँगी, ऑन एंड ऑफ होती थी। तो जब मुझे वो फर्स्ट टाइम हुई तो मुझे लगा कि मुझे सूट ही नहीं किया, एंड बट मेरे को ये था कि सैलिसिलिक एसिड मेरी स्किन को सूट करता है, ये मुझे हमेशा से पता था, क्योंकि डिस्परेंट मास्क में यूज़ किया करती थी, उसमें सैलिसिलिक एसिड होता है बहुत ज़्यादा। तो आई रियली वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई, तो मैं करती रही इसको यूज़, और फाइनली 1.5 महीने बाद मैं कहूँगी ऑलमोस्ट मेरी स्किन सेटल इन हो गई इस वाले लिक्विड के साथ, और उसके बाद मुझे पर्जिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल बंद हो गई। तो अगर आप इसको अभी लगाना शुरू कर रहे हो तो मैं आपको कहूंगी हफ्ते में, मेरी तरह ना करें कि जल्दी जल्दी यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ा पेशेंस रखें, काम मतलब क्या कहते हैं उसको, तसल्ली से काम लें, आई डोंट नो क्या वर्ड है उसका, थोड़े पेशेंस के साथ रखें, यूज़ करें इसको, दिन में सिर्फ रात में ही लगाएं, मेरी तरह सुबह शाम ना लगाएं, और डेली लगा सकते हैं या हफ्ते में 2 से 3 दिन शुरुआत के टाइम पे लगाएं, और धीरे धीरे आप इसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर सकते हो। नाउ जब मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया था उस टाइम पे मेरे यहाँ पर बहुत सारे पिंपल्स थे, निशान भी थे, क्योंकि सर्दियों का टाइम निकला निकला था, फेब्रुअरी बिगनिंग में मैंने इसे लगाना शुरू किया, और सर्दियों में मैंने बाजरा बहुत खाया है, मिलेट, तो बाजरे की रोटी, बाजरे की पंजीरी, बाजरे की खिचड़ी, ये सब मैंने इतना खाया, और मुझे पता है कि जब मैं ज़्यादा गर्म चीज़ें खाती हूँ तो मेरे फेस पे वो पिंपल्स की फॉर्म में आती ही आती है। सो मुझे जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म हो रही थी, बाय द एंड ऑफ जनवरी मुझे पिंपल्स आने शुरू हो गए, एंड आई न्यू कि वो गर्म चीज़ें खाने से आए हैं, बट मेरी स्किन ऐसी है कि उसके दाग बहुत टाइम बाद जाते हैं, 3-3, 4-4 महीने बाद मेरे पिंपल्स के निशान जाते हैं, बट इसकी वजह से मैं कहूँगी कि दाग बहुत जल्दी फेड हो गए, और आई डिडंट इवन रियलाइज, आई मीन मैंने इसको डेली यूज़ किया है सिंस फेब्रुअरी दिस ईयर, और अभी तक मुझे नहीं पता मेरी स्किन कैसे फटाफट साफ हो गई। आई थिंक एंड ऑफ मार्च या 2 महीने के बाद मुझे इसका असर दिखना शुरू हो गया था, और एंड ऑफ मार्च से मुझे वो एकदम फेस देखते ही आपको शीशे में समझ आ जाता है कि हाँ अब मेरा फेस थोड़ा क्लीन हो रहा है, वो मेरे एंड ऑफ मार्च में मुझे वो फीलिंग आनी शुरू हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि आज इसको लगाओगे तो ये एक पील का तरह एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है, माइनर आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है ऑन डेली बेसिस, जो कि आपकी स्किन के लिए नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि 2% है इसमें सिर्फ, तो वो एक्सफोलिएशन हो रही है तो आपको फर्स्ट डे ही रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप, मैं कहूँगी एक्सपेक्ट करें रिजल्ट्स आफ्टर 2 months, और आफ्टर 2 months तब भी आप इसको रेगुलर यूज़ करते रहे। आज तक मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, बॉटल ख़त्म होने वाली है तो मैं इसका रिफिल मंगाऊंगी, और जैसे जैसे आप इसे यूज़ करोगे आप देखोगे आपकी स्किन की कंडीशन विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली। आई मीन लॉट ऑफ पीपल जो मुझसे मिले हैं अभी रिसेंटली, उन सब ने नोटिस किया है कि मेरी स्किन में ग्लो आ गया है, थोड़ी क्लियर हो गई है, और मैंने खुद भी नोटिस किया है। जब साइंस ऑफ एजिंग आपकी स्किन में दिखने शुरू होते हैं, आई एम 37 एट द मोमेंट,
और जैसे जैसे 35 आप क्रॉस करते हो तो छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स, कुछ रिंकल्स, ओपन पोर्स वो ज़्यादा आपकी स्किन में दिखते हैं। मेरी स्किन पे फाइन लाइंस आनी अभी नहीं शुरू हुई थी, बट ब्राउन स्पॉट्स छोटे 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 पूरे फेस पे ऐसे स्पॉट्स आ रहे थे जैसे वो तिल भी नहीं थे ना वो पिंपल्स के निशान थे, बट वो एजिंग के निशान थे। छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स थे जो देखने में बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को, पास से कोई देखे तो ऐसे लगता था कि इसकी स्किन की कंडीशन अच्छी नहीं है, दूर से यू कैन स्टिल मैनेज। और वो ब्राउन स्पॉट्स काफ़ी हद तक गायब हो गए हैं, और उसी की वजह से जब आप अपना फेस देखते हो ना शीशे में, नाउ इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, मुझे अपना स्किन ओवरऑल जो एक लुक आता है फेस का बहुत क्लियर आता है। आई एम रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स। और जो पूरे पूरे यहाँ पिंपल्स के निशान थे वो बिल्कुल फेड हो गए हैं। और आप अभी देखो ये तो आई मीन मैंने थोड़ा सा यू नो मेकअप वगैरह कर रखा है, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी करंटली जो मेरी स्किन की कंडीशन है विदाउट किसी भी फिल्टर, उसमें आप मेरी स्किन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरी स्किन काफ़ी हद तक क्लियर हो गई है। सो आई एम रियली लविंग दिस प्रोडक्ट, एंड एज ए मेंशन नॉन स्पॉन्सर्ड है, कुछ भी ऐसा नहीं है, और ना पेड मुझे कोई पेमेंट मिली है ऐसे बोलने के लिए, बट आई एब्सोल्युटली वॉन्ट टू थैंक मिनिमलिस्टिक या ये प्रोडक्ट आपने हम जैसे ऑयली प्रोन एक्ने स्किन वालों के लिए बनाया। नाउ इसको यूज़ करना है रात को एज रिकमेंडेड बाय देम, बट मैंने सुबह भी कर लिया था और यू नो घर पे ही रहती थी, और रात को सोने से पहले फेस वॉश करें, ये वाला सैलिसिलिक एसिड लगाएं अच्छे से। एक वीडियो मैंने शेयर की है मेरे बेस्ट जो तीन प्रोडक्ट्स हैं, चार प्रोडक्ट्स हैं सॉरी, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड ये वाला, ये चारों का मैंने डिटेल में बताया है कि मैं आजकल क्या फॉलो कर रही हूँ अपना रूटीन इस गर्मी से बचने के लिए है। जनरली मैं बैंगलोर में रहती हूँ बट अभी मैं आई हुई हूँ नॉर्थ में, और आपको पता है नॉर्थ की गर्मियों का क्या हाल है, और हम जैसे यू नो ऑयली स्किन जिसकी भगवान ने बनाई है उनको तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सो उसमें मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है। तो मैं फेस वॉश करके ये लगाती हूँ, इसको लगाने के बाद एक मिनट की वेट करती हूँ, और वेट करने के बाद अपना मॉइस्चराइजर इसके ऊपर लगा लेती हूँ, और जो मेरा मॉइस्चराइजर वो भी दिखा देती हूँ आपको, अगर दूसरी वीडियो नहीं देखनी है तो इसी में देख लो। रिक्विल का है ऑयल फ्री मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर, ये दोनों आप एक के ऊपर एक लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, कोई डलनेस, कोई ड्राइनेस, कोई यू नो कॉम्प्लेक्शन एक शेड डार्क कुछ नहीं लगता है। एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स मेन क्या है। बेसिकली ये टोटली केमिकल है, बट इसका जो बेस है इन्होंने एलोवेरा रखा है। तो अगर आप उनमें से हो जिनको एलोवेरा सूट नहीं करता है, सो आई डाउट, आप ट्राई कर सकते हो बट आई डोंट नो आपको ये सूट करेगा कि नहीं करेगा। सो मेन जो इसका बेस है लिक्विड वो है एलोवेरा। अबे यार दिख ही नहीं रहा, मतलब इतना बारीक लिखा है ना, मैं क्या करूँ। एलोवेरा जूस, ओके एलोवेरा जूस है, देन डायमेंथाइल, मतलब बहुत सारे केमिकल्स हैं। स्क्रीनशॉट अगर मैं ले पाई, मतलब ऐसा ना हुआ कि यू नो ब्लर हो जाए, तो मैं इसका सारा आपका स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी। क्वांटिटी इज कहाँ है 30 ml, ओके सो 30 ml आपको इसकी क्वांटिटी मिलती है, और कॉस्ट है इसकी 549 rupees। और अभी यू नो मैंने इसको इंस्टाग्राम पे लाइक किया हुआ है इस ब्रांड को, तो मुझे उसका एक वो पॉपअप आता रहता है कि अगर आपको रिफिल यू नो नया इसका सेम आपको रिफिल करना है तो आप एक कोड यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा आपकी नेक्स्ट बाय पे। तो इसके कुछ यू नो 50 rupees के करीब इसके ऑफ हो जाएंगे नेक्स्ट बाय में मेरे। तो 549 में 30 ml विच गोज़ अ लॉन्ग वे। अभी 4 महीने मैंने यूज़ किया है और आप देखो 65% बॉटल ख़त्म हुई है, 35% अभी भी है, तो ये ऑलमोस्ट मेरा एक महीना से थोड़ा सा और ऊपर चल जाएगा। सो इट्स टोटली वर्थ द मनी, वर्थ ट्राइंग। और अभी तक अगर आप अच्छा कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे जो कि आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन, सेंसिटिव स्किन को बचा ले इंडिया की गर्मी से, यू कैन गो फॉर दिस वन, डेफिनेटली आँख बंद करके यू कैन गो फॉर दिस वन। सो दिस इज माई 100% ऑनेस्ट रिव्यू है गाइज। बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी अच्छी किसी यू नो होम रेमेडीज या फिर मे बी किसी अच्छे से प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइज, बाय बाय।